अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, और जितनी भी जिनकी परेशानियाँ हों अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें। दुआओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स, मैंने आप सब बहन भाइयों को बताया था कि जो मेरी बहन है जिसकी शादी हो गई है तो उसकी तबीयत ख़राब है। तो पहले भी मैंने चक्कर लगाया है तो अम्मी ने कहा है कि फिर अब दोबारा जाए उसका हाल पूछ कर आए। तो आज फिर मैं आया हुआ हूँ अपनी बहन के घर। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको अपनी बहन का मुकम्मल घर का विज़िट कराऊंगा। तो आप सब ने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो भी बस देखें, ये बाहर से घर है तो ये दरवाज़ा है, यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। ये देखें बाहर चाय पाइयाँ निकली हुई हैं। तो ये है मेरी बहन का घर। तो इधर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। तो वहाँ पे एक गैलरी है, उसके साथ उनके चाचू का घर है, साजिद भाई के चाचू का घर है। तो साजिद भाई इधर आ गए हैं। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रब का करम, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। तो अब क्या हाल है? रब का करम है, ठीक ठाक है, सब खैरियत है। वो मेरी बहन का क्या हाल है अब? वो भी ठीक है। तो वो अब कहाँ पे गई है? मुझे तो मिली ही नहीं है, मैं आया हूँ। तुम तो अभी आया ना, शायद बच्चों के अलीजा के कपड़े धोने गए बिना शायद। अच्छा, अलीजा के कपड़े धोने गई है। आज तो आप कपड़े धो देते, उसकी तबीयत खराब थी। मैं फिर आपको उसकी नुकरानी खड़ी कर दी तो और बताए। हाँ, नुकरानी फिर करा दो, जब तबीयत तो सही ना हो तो फिर तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी बस ये अंदर से कमरे हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी बस इधर फ्रिज खड़ा हुआ है, अभी तो सर्दी है तो लगता है कि फ्रिज बंद होगा। नहीं, ये देखें फ्रिज चालू है और इसमें क्या होता है, साग। साग है ना साजिद भाई? हाँ, रात को बनाया था वो भाई, फौजी है ना, पेशावर में गया। अच्छा, उसके लिए मैंने मक्खन और दूध, ऐसे काफी चीजें हैं जो कि ये फ्रिज चालू रहता है, हम बंद नहीं करते। अच्छा अच्छा, नुकसान हो जाता है फिर काफी, 50-60 हज़ार रुपए का मटेरियल है इस वजह के। तो भाई फौजी के लिए सामान भेजा है ना। अच्छा, तो इस वजह के लिए चालू करता है, वैसे चालू रहता है। साग अच्छा। भेजा है तो कुछ साग, साग तो फिर गंदला ना साग ते मक्खन मलाई। तो ये देखे, ये एक कमरा भी मेरी बहन के पास है, ये छोटा। तो इधर बेड पड़ा हुआ है, बच्चे वगैरह इधर सोते हैं। तो बाकी एक और कमरा है, ये भी मेरी बहन के पास है। यानी कि ये दो कमरे मेरी बहन के पास हैं, बाकी चार। वैसे तो कमरे तो चार हैं, हमारे अपने चार हैं। अच्छा, आपके पास चार हैं जो मेरे खाते में आते हैं ना, आगे हैं ये फ्रांस जो आपके खाते में आते हैं। मैंने कभी गौर से इनके ना पूछा है और ना ही मैंने कभी कहा है कि आपके पास क्या कुछ है क्या नहीं है। ये कमरा भी आपका है? हाँ, ये हमारा छोटा कमरा है। अच्छा, ये भी आपका है। तो इधर साजिद भाई ने, वो क्या होता है, ट्रैक्टरों के टायर खड़े किए हुए हैं, क्योंकि साजिद भाई ट्रैक्टर चलाते हैं ना। ये देखे, तो इसका टायर खोल दिया है। वो अभी काम नहीं है ना, इस वजह के लिए वो कल कुछ। ये देखे, अब इसका इधर से टायर नहीं है तो बाहर भी एक ट्रैक्टर खड़ी हुई है। तो ये मेरा फ्रंट साइड है। अच्छा, फ्रंट साइड ये है। तो इधर पिछली साइड पर भी घर है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा घर है, नॉर्मल सा तो है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने हमारे कोई चैनल के बारे में बताया नहीं किसी को यार। हाँ, साजिद भाई का चैनल है, साजिद सयाकी व्लॉग के नाम से। तो आप सब बहन भाई इनकी भी सपोर्ट करें, ये बस ऐसे बाहर के व्लॉग्स बनाते हैं। तो भी बस देखें, इधर मेरी बहन ने सारा सामान जो है इधर रखा हुआ है।
तो ये देखे बक्से वगैरह और अलमारी भी इधर रखी हुई है। तो साथ में वो क्या होती है, मक्खीदान कहते हैं ना, मर्च मक्खी दान कहते हैं, हाँ सरेके दान मक्खीदान भी मर्च इधर वगैरह। है। तो इधर चाय पाया बिछी हुई है। तो ये एक छोटा सा कमरा है। तो इधर जो है ना बाथरूम वाशरूम है अटैच डबल। तो दूसरा अभी बस शॉप ये जो है ना गैलरी है इधर। तो साजिद भाई सब ट्रैक्टर खड़ी की हुई है आपने? का शुक्र रब दे रहा है। एक तो अभी आपको मालूम है सही वाल चल रहा है, हाँ एक चल रहा है। तो ये अब मेरे काम ख्याल में भी 3-4 ट्रैक्टर्स हैं चार आपके हैं। पास, चार, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलती एक भी नहीं अल्लाह का है। शुक्र है सभी चलते। आप सीजन नहीं है ना इस वजह से सीजन नहीं है। अच्छा, तो इधर से ना वो क्या होती है सीढ़ियां सीढ़ियाँ, लगाना इधर पड़ता से है। है सीढ़ियाँ, ऊपर भी बता जा सकता है। ये अटैच ही है सब कुछ इस एक हाँ इधर भी एक अटैच बाथरूम। ये बाथरूम इसलिए है कि कोई बाहर का बंदा आए तो इस्तेमाल कर सकता है, मेहमान वैसे जैसे आ जाते नहीं हैं बाहर के। मेहमानों अच्छा के लिए बाहर बनाया होगा मेहमानों तो के लिए बैक बाहर साइड है। है। तो अभी बस ये है सीहन देखें, तो माशाल्लाह से पक्का हवेल है। तो कोई बच्चे हैं ना, चलो मट्टी वगैरह फिर नहीं पड़ती इधर, ये बरामदा है साथ। तो अभी बस ये देखें ये किचन है, तो ये बाहर का इधर चूल्हे हैं, तो ये अंदर का किचन है ये देखें। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सिस्टम है इनका भी। तो अभी बस ये था मेरी बहन का छोटा सा घर। मुझे उम्मीद है आप सब बहन भाइयों को अच्छा लगा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है, पक्का घर है। तो अब अलीज़ा भी आ गई है इधर, देखें अलीज़ा इधर आ जाओ। उधर देखो, अलीज़ा तो खेलने गई हुई थी ना, ऊपर आ जाओ, आओ उठो। क्या कर रही हो, क्या खेल रही हो? अच्छा खेल रही हो। सादिया और शाहजेब कहाँ पे है? उत्ते स्कूल गए होंगे वो, तो वो स्कूल गए हुए हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारी सी है देखें। तो ये जब मैं पहले पहले आया हूँ ना, ये दरवाजे के सामने मुझे देख कर ना, तो फिर ये छुप गई है, कहती है मामू आया बैठा है, शर्माती है ये। अच्छा शर्माती हो। अच्छा, चलो हप्पी दो दो मामू को, हप्पी दो दो, देखें हप्पी देती है, और दो देखें। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी है। तो ये एक बहनों को खुशी होती है जब भाई अपनी बहन के घर आता है। तो अम्मी तो मुझे, अगर हमारे घर के मसले मसाइल ज़्यादा ना होते ना, मैं तो दूसरे तीसरे दिन लाजमी चक्कर लगाता। लेकिन ये है कि अभी भी 10 दिन में 15 दिन में एक आधा चक्कर तो लग जाता है। तो फिर मेरी बहन भी बहुत खुश होती है कि चलो आसिफ आ गया है। तो क्योंकि वो भी हमारे बारे में बहुत सोचते रहती है, वो कहती है मेरी बहन ठीक नहीं है, मेरा भाई ठीक नहीं है, और माँ मेरी बेचारी उनकी देखभाल में सारा दिन गुजरता है उसका। तो फिर ये भी परेशान होती है। हमने इसको कहा कि नहीं आप परेशान ना हुआ करें, आपके तो माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और जो है ना फूलों जैसे बच्चे हैं, माशाल्लाह तीनों खूबसूरत और जो है ना होशियार भी बहुत हैं। तो अल्लाह पाक इनको लंबियां जिंदगियां दे, और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, और ज़िंदगी रहे तो हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, आपको किसी किस्म की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं फल फूल लेकर आया था उसके लिए। तो मैंने कहा ये खाओ पियो, खाने पीने से जहान है, बस सेहत है तो ज़िंदगी है। अगर सेहत ना हो तो चाहे पैसा जितना भी हो ना, सेहत ना हो उस पैसे का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बादशाही सेहत की होती है। ये हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना वो कहते हैं कि पैसों से बादशाही नहीं होती, बादशाही सेहत की होती है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो। शादी अलीज़ा उधर देखो कैमरे में, बाय बाय करो।
ये देखें, ये भी बाय बाय का है, ये अल्लाह हाफिज़।